हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सेक्शन सी ग्रामर वाले पोर्शन के बारे में, जो कि आपको है ना, यहाँ पर 10 मार्क्स की ग्रामर पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है सेंटेंस हम यहाँ पर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, पहले जो 5 सेंटेंस हैं उसमें आपको फिलर्स दिया जाएगा। फिलर्स का अर्थ होता है कि आपको 3 या 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन को आपको खालिस्तान में ब्रैकेट में भरना है, और इसके जस्ट बाद में 5 सेंटेंस दिए जाएंगे जो कि डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत रहेंगे, जिसमें आपको जैसा कहा जाए वैसा करना है। यानी कि किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है ना, नरेशन चेंज करना है, या फिर एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज करना है, कुछ भी क्लाज वगैरह आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 5 सेंटेंस आने वाले हैं वो 5 सेंटेंस फिलर कहलाते हैं, जिनमें आपको खालिस्तान भरना होता है और आपके सामने उत्तर जो है ना कोष्टक में लिखे होते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं। He knows the boy is wearing a blue shirt. अब यहाँ पर which, who और where आया है ना। अब आपको यदि पता हो तो which के लिए हम जो है किसी वस्तु के लिए which का इस्तेमाल करते हैं, इंसान के लिए who का इस्तेमाल करते हैं, और जगह के लिए where का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर boy के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, who का। ओके okay? अगला है, his brother is RJ in a local radio channel. अब किसी आर्टिकल का यूज करना है आपको, ए एन द तीनों में से एक का। अब यहाँ पर आपका जो खालिस्तान के जस्ट बाद वाला जो पहला वर्ड है वो आर है, और आर का पहला लेटर जो है, पहला अक्षर वो स्वर है, आ है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन। ओके, ए एन का प्रयोग होगा। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है ना, और साथ में यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। और कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें सम एनी का यूज बताया था। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम किसका यूज करते हैं, एनी का करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में और एफिर्मेटिव में सम का करते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, एनी का। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। ही हैज मैनी प्लेस, तो ही हैज, अब हैज है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो इसमें क्या आएगा, रिटर्न आएगा। पांचवा है, आई टेक योर पेन, यहाँ पर हम जब किसी से परमिशन मांगते हैं है ना, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन देने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं, लेने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं, तो मे आई टेक योर पेन। छठा है, वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अब यहाँ पर शुड भी है, मस्ट भी है, लेकिन हम यहाँ पर आउट का यूज करेंगे, ओ यू जी एच टी, आउट का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आउट टू साथ में ही रहता है ना, तो टू लगा है, यानी कि यहाँ पर किसका यूज होगा, आउट का। चलिए अगला सेंटेंस हमारा सातवां, व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइम ट्रीज, तो जब भी हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो पास्ट की एबिलिटी में हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, कुड आएगा। ओके, तो कुड लगाएंगे। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे सम एनी, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम किसका यूज करेंगे, एनी का। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो मच मेनी में से हमको किसका यूज करना है, मेनी का। क्यों करना है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि जब काउंटेबल नाउन हो और वो प्लूरल हो तो काउंटेबल के ही प्लूरल बनते हैं, बहुवचन बनते हैं, किन संज्ञाओं के बनते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स में एस लगा है तो किसका यूज करेंगे, मेनी का करेंगे। हाउ सुगर, अब ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहां पर मच का यूज करेंगे। द अर्थ राउंड द सन, तो द अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मूव से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है और द अर्थ एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में क्या लगेगा, एस लगेगा। बारवा है, ही ऑलवेज ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कम सा आएगा। गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, तो नदियों के नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव की सुपर लेटिव डिग्री है इसलिए द आर्टिकल का यूज होगा। हिज ब्रदर इज, है ना, अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अधूरा है ना, इसके लास्ट में आई होप ऐसा हो सकता है एम ए, है ना, कि हिज ब्रदर इज एम ए, तो एम ए के पहले हम एन का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एम ए में जो एम है उसमें पहला जो लेटर रहेगा वो ए ए डी का रहेगा, एम इस प्रकार लिखा रहेगा, इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे। चलिए सोलवा सेंटेंस आपके सामने है, दे हैव बिन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस फॉर का यूज करना है, तो सिंस का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के पहले हमेशा सिंस का यूज किया जाता है। वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर्स, अब 3 ईयर 3 साल जो है वो अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज होगा। दे विल गो टू दिल्ली मंडे, तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा।
वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सप्ताह के किसी दिन की बात होती है तो हमेशा उसके पहले ऑन का यूज होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, इस प्रकार से। और जब महीने के किसी नाम की बात होती है तो हमेशा इन का यूज करते हैं, ठीक है, इन अप्रैल, है ना, इन मई, इन अगस्त, इस प्रकार से। हिज अंकल डैड ऑफ आएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही इज अफ्रेड, यहाँ पर भी ऑफ आएगा, यानी वह कुत्तों से डरता है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ बिकॉज, है ना, मैं बीमार हूँ। यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यहाँ पर आएगा इफ, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। 24वां सेंटेंस है, आई प्रिफेयर कॉफी, है ना, तो यहाँ आएगा टू, आई प्रिफेयर कॉफी टू टी। यानी जब हम किसी चीज़ की प्रेफरता बताते हैं, यानी कि उसकी प्रेफरेंस ही बताते हैं कि मैं कॉफ़ी जो है पसंद करूँगा चाय की बजाय, तो हम हमेशा कॉफ़ी और टी के बीच में टू का यूज़ करेंगे। अगला है, द पेशेंट हैड डैड, द डॉक्टर अराइव्ड, जो मरीज है वो मर चुका था, कब मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर आएगा। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, ठीक है। वी वेयर मेकिंग काइट्स वेन फादर अराइव्ड, डोंट लीव दिस प्लेस, आई कम बैक अंटिल, है ना, इस स्थान को तब तक मत छोड़ना जब तक मैं नहीं आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पर अंटिल आएगा। 29वां सेंटेंस है, आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पर आएगा वुड, कि मैं भी ये मोबाइल खरीद लेता यदि मेरे पास पैसा होता तो, है ना। सी गो टू टेम्पल एवरी डे वेन सी लिव्ड इन विलेज, यहाँ पर भी पास्ट हैबिट की बात हो रही है, कि जब वहाँ गांव में थी तो वहाँ रोज मंदिर जाया करती थी, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वुड का, ओके। 31वां सेंटेंस है, ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो ही वांटेड टू बिकम। माई फादर इज अ टीचर, तो कैसे टीचर है वो, रिटायर्ड टीचर। ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर, तो ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, ठीक है। 34वां सेंटेंस है, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, तो कौन सा सामान वापस नहीं किया जाएगा, सोल्ड गुड्स, बिका हुआ सामान, बेचा हुआ सामान। आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प, तो आई हर्ड सम किड्स साउटेड फॉर हेल्प, अब यहाँ पर हर्ड है इसलिए हमने साउटेड सेकंड फॉर्म का यूज किया। वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन मेहनत करो और, यहाँ पर किसका यूज होगा, और का, अन्यथा अथवा तुम फेल हो जाओगे। ही इज आर लेट, वहाँ एक घंटे लेट है, तो और के पहले एन का यूज करते हैं। प्लीज स्प्रेड, है ना, यहाँ पर बटर के बारे में बात हो रही है, तो बटर यानी मक्खन होता है, और ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो जब भी फ्यू और लिटिल की बात करें तो लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के पहले होता है, फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल के पहले होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ लिटिल। 39वां है, ही हैज गिवन स्मोकिंग, तो उसने क्या कर दिया, स्मोकिंग छोड़ दिए, तो गिव अप, है ना, एक फ्रेजल वर्ब होती है गिव अप, यानी छोड़ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, गिवन अप, ओके। चलिए लास्ट सेंटेंस है, वी आर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो हमको क्या करना चाहिए, जहाँ पर भीड़ होती है उन जगह पर किसका इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का, तो क्या आएगा यहाँ पर, वी आर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपके जो 5 सेंटेंसेस आने वाले हैं उन 5 सेंटेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस की, और मुझे लगता है कि आपकी क्वेश्चन बैंक में से ही सेंटेंस आने वाले हैं, तो आप ये 40 इंपॉर्टेंट सेंटेंस इनको जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद में हम अगले वीडियो में डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, वर्ब्स, इनके बारे में बात करेंगे, डूएज डायरेक्टेड के बारे में बात करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि एग्जाम तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।